हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेचेट स्पेस के बारे में। तो बेसिकली फ्रेचेट स्पेस क्या है, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हम आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फ्रेचेट स्पेस को। तो सबसे पहले हम फ्रेचेट स्पेस का स्टेटमेंट समझते हैं कि आखिर स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ए क्या है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस अगर हम आपको डिफाइन करें, थोड़ा सा रिकॉल करा दें, तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस और कुछ नहीं एक फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई गिवन सेट, मान लेते हैं एस पे। तो इस सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट करता है, यानी एफ ऑफ वन कुछ होगा इसको ए वन नाम दे देते हैं, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू ए टू, इस टाइप से ऐसे ही ढेर सारे एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं। तो इन सारे ए वन ए टू ए थ्री जितने भी आएंगे, इन सब के इन सब का हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन ले लेते हैं, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं नेचुरल नंबर से, उन सब का हम कलेक्शन ले लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सीक्वेंस ए एन कहते हैं। और यही जो है, इसी का कलेक्शन, जितने भी पॉसिबल कलेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये ए उसमें बस सीक्वेंसेस को रखता है, ठीक है। तो ए क्या है, ओवरऑल सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ए में कितने हैं, ए में क्या है, ए क्या है, स्पेस है, कैसा स्पेस है, इसमें सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं। और कैसे सीक्वेंस हैं, उन सीक्वेंसेस में जैसे ये ए एन सीक्वेंस है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, ढेर सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही इन सारे ए एन का अगर हम कलेक्शन ले लें, मान लेते हैं ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इन सारे का कलेक्शन, इन जैसे कि ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ए एन है, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इन सारे सीक्वेंसेस को, जैसे इसके तरह और भी ढेर सारे सीक्वेंसेस बनेंगे, तो उन सारे सीक्वेंसेस का अगर हम कलेक्शन ले लें, तो हम उसे सेट, उस सेट को हम क्या नाम दे रहे हैं, उस सेट को नाम दे रहे हैं हम ए। यानी ए क्या है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम डिफाइन करते हैं एक मैप, वी डिफाइन डी सच डेट ए क्रॉस ए टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी वन अपॉन टू रेज पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। तो ये हमारा डिस्टेंस फंक्शन है। अब हमें यही दिखाना है कि ये जो टी है इस ए पे मैट्रिक फॉर्म करेगा, और इसी डी को हम कहेंगे ये फ्रेचेट मैट्रिक है। और इस टोटल अगर ए को हम डी के साथ लिख दें ऑर्डर्ड पेयर में, तो हमें शो करना है कि ये फ्रेचेट स्पेस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है ओवरऑल फ्रेचेट स्पेस का स्टेटमेंट। अब इसके प्रूफ के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रूफ में तो हमें सबसे पहले ये बताना रहेगा कि ये जो डी एक्स वाई हम डिफाइन कर रहे हैं, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये डी एक्स वाई वेल डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो सबसे पहले हम वेल डिफाइंड वाला प्रूफ देखेंगे, उसमें हम दिखाएंगे क्या डी एक्स वाई वेल डिफाइंड है, और फिर उसके बाद हम चार प्रॉपर्टीज मैट्रिक का शो करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी, नल प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले नंबर आता है वेल डिफाइंड का, तो हमें दिखाना क्या है डी एक्स वाई क्या है, वेल डिफाइंड है। और इसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने प्रूफ में लिखा हुआ है, फर्स्ट वी शो दैट डी एक्स वाई इज वेल डिफाइंड। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू रेस पावर एन। वी एन मैंने क्या मान लिया, वन अपॉन टू रेस पावर एन मान लिया। अब देखिए यही क्यों माना मैंने, क्योंकि देखिए इसमें जो ये जो टर्म आ रहा है, ये जो कोफिशियंट आ रहा है, वन अपॉन टू रेस पावर एन आ रहा है, तो इसी को मैंने क्या कर लिया, वी एन मान लिया। अब देखिए ये हो क्या रहा है, समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन टू रेस पावर एन इज कन्वर्जेंट। अब देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म कन्वर्जेंट हो रहा है। कैसे कन्वर्जेंट हो रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये कैसा आ जाएगा, वन अपॉन टू, क्योंकि एन की वैल्यू देखिए वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वन अपॉन टू पावर वन प्लस वन अपॉन टू पावर टू प्लस वन अपॉन टू रेस पावर थ्री एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक इन्फाइनाइट सीरीज है। और अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ आर क्या है, आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, वन अपॉन टू। ए क्या है, ए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, वन अपॉन टू है। तो इसका सम क्या आ जाएगा, इसका सम आता है
ए अपॉन वन माइनस आर आता है इनफाइनाइट टर्म के लिए, तो यहाँ पे ए क्या है, ए है वन अपॉन टू, और आर क्या है, आर भी वन अपॉन टू है, तो यहां से ओवरऑल क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू, तो वन माइनस वन अपॉन टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा, और जो भी आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में वन अपॉन टू, न्यूमिनेटर में वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू वन अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी देखिए ये जो सीरीज है इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो सीरीज लिखा हुआ है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये सीरीज किसके बराबर है, इस सीरीज के बराबर है, क्योंकि वी एन मैंने माना हुआ है वन अपॉन टू रेस पावर एन है, तो समेशन वी एन क्या हो जाएगा, समेशन वन अपॉन टू रेस पावर एन, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू रेस पावर एन। अब देखिए ये मैंने कैसे लिख दिया, तो इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। देखिए मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन क्या होता है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। ये तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये दोनों टर्म तो सेम हो जा रहे हैं और राइट हैंड साइड में हम कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी जो होगा यही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली आ जाएगी, सॉरी ये लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक्स एन माइनस वाई एन, जैसे एक्स एन माइनस वाई एन मान लेते हैं ये क्या आ रहा है, मॉड फाइव आ रहा है, इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस मॉड फाइव, तो ये क्या आ जाएगा, फाइव इज लेस देन इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में तो है लेकिन साथ ही साथ प्लस वन भी है, तो इसलिए राइट हैंड साइड वाला टर्म जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए हम करते क्या है, ये टर्म कभी जीरो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जीरो कब होगा, जीरो देखिए जीरो ये होगा तब जब इसकी वैल्यू माइनस वन के बराबर आ जाए, और मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, वो हमेशा या तो जीरो देगा या तो पॉजिटिव देगा, तो ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, और जब ये निगेटिव नहीं होगा और इसमें वन ऐड कर रहे हैं तो होगा क्या कि ये ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये वैल्यू कभी जीरो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जीरो होने के लिए ये वन तो फिक्स है, इसको माइनस वन होना पड़ेगा, और ये माइनस वन कभी होगा नहीं क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि वो निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो ये ओवरऑल कभी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है, तो इससे क्या होगा, इसको हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू वन। देखिए ये हमारा टर्म आ गया, ठीक है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर लिया, तो हमारे पास ये टर्म आया। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, अब हम बोथ साइड वन अपॉन टू रेस पावर एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन अपॉन टू रेस पावर एन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन टू रेस पावर एन। अब ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए वन अपॉन टू रेस पावर एन हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी, वो जीरो भी नहीं हो सकता है, और इसलिए अगर बोथ साइड हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये ओवरऑल सही होगा, और इसी को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर एक एक स्टेप को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये हमारा जो स्टेप है वो यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम करते क्या है, देयर फोर बाई कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है, देखिए हमें चेक करना है कि ये जो समेशन है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम बोथ साइड समेशन ले लें, बोथ साइड अगर हम समेशन ले लेते हैं एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी पे, तो ये वाला जो टर्म होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बोथ साइड समेशन ले लें, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी और समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन, तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और इस वजह से देखिए ये सीरीज जो है ये सीरीज बड़ी है, और बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उससे छोटी वाली सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो इस वजह से ये वाला जो सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, देखिए हम दोनों सीरीज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये बड़ी वाली सीरीज है और ये सीरीज यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कन्वर्जेंट है, तो छोटी वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो ये है कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट से ये आया कि ये जो समेशन वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और इसलिए
ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डी एक्स वाई की। तो इससे पता चलता है कि डी एक्स वाई क्या है, वो भी कन्वर्जेंट है। और जैसे ही कन्वर्जेंट हुआ हम ये कह देंगे कि डी एक्स वाई इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स वाई मैंने यहाँ पे कोई फिक्स्ड एक्स वाई नहीं लिया था, सब आर्बिट्रेरी चला है। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी ले लें, एक्स एन वाई एन कुछ भी ले लें, ये इनक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई रहेगा। और जब ये सेटिस्फाई रहेगा तो आगे के जितने भी हैं सब के सब सेटिस्फाई रहेंगे। तो डी एक्स वाई क्या है, वेल डिफाइंड हो जाएगा हर एक एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए। तो यहाँ तक तो हमारे ये हो गया कि ये जो डी एक्स वाई है ये वेल डिफाइंड है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, मैट्रिक की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी। नॉन निगेटिव कंडीशन, नॉन निगेटिव कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स एन और वाई एन क्या होंगे। देखिए सबसे पहले एक्स और वाई क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई ए में बिलोंग कर रहा है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां आप ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक्स और वाई में जो एलिमेंट्स हैं, यानी ये एक्स एन और वाई एन जो है, जो भी एक्स एन वाई एन होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, जो भी एक्स आई होगा और वाई वन वाई टू वाई थ्री जो भी वाई आई होगा, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो यहां से हम क्लियरली लिख सकते हैं, फॉर एनी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, वाई इज इक्वल टू वाई आई बिलोंग्स टू ए, एक्स आई कॉमा वाई आई बिलोंग्स टू सी वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एंड सो ऑन, या फिर हम लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है। तो देखिए हर एक एक्स आई और हर एक वाई आई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्टेंट भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, दिस इंप्लाइज एक्स आई माइनस वाई आई बिलोंग्स टू सी आई बिलोंग्स टू एन, ठीक है यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम मॉड लगा दें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आप मॉड लेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है, ये वेल डिफाइंड है, मॉड की प्रॉपर्टी ही होती है ये आई बिलोंग्स टू एन। तो ये भी यहाँ से भी ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगर हम बोथ साइड क्या करें, वन ऐड कर दें दोनों साइड, तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज ग्रेटर इक्वल्स वन आई बिलोंग्स टू एन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी अगर हम इसको इक्वेशन वन मान लें और इसको इक्वेशन टू मान लें तो वन डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आएगा ये मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जीरो अपॉन वन आएगा, जीरो अपॉन वन जो कि जीरो के बराबर ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आ रहा है मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो। तो डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो कब आएगा, देखिए ये टर्म हमारा आ चुका है, ये टर्म हमारा आ चुका है, बस एन को मैंने क्या कर दिया, आई से रिप्लेस कर दिया और कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो यहाँ वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब वन अपॉन टू रेस पावर एन क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं इसी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या आ रहा है, वन अपॉन टू रेस पावर एन, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ पर वन अपॉन टू रेस पावर एन मल्टीप्लाइड बाई जीरो आएगा, तो कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो ही आएगा, तो यहाँ तो राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम करते क्या है, यहाँ पे आई लिख देते हैं, टू रेस पावर आई, आई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अब देखिए अब होगा क्या, अब हम बोथ साइड समेशन ले लेते हैं, और जब हम समेशन लेंगे, जब हम बोथ साइड समेशन लेंगे तो यहाँ तो समेशन जीरो जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ जो समेशन लेंगे हम आई बराबर वन से इन्फिनिटी तक, तो ये कौन सा टर्म आ जाएगा, ये पूरा ये टर्म आ जाएगा, और ये टर्म किसके बराबर है, डी एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं पे मैं समेशन लेता हूँ, तो यहाँ पे समेशन आई इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, तो कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ मैंने एन ले लिया, यहाँ मैंने आई ले लिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अब हम क्या करते हैं, ये कौन सा टर्म है, ये है डी एक्स वाई, यानी ये क्या है, पूरा डी एक्स वाई है, दिस इम्प्लाइज
डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स जीरो। अब देखिए यहाँ पे समेशन आई बराबर वन से इन्फिनिटी ले लिया गया है, तो यहाँ पे आई बिलोंग्स टू एन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल सही है तो ये भी सही होगा। तो डी एक्स वाई क्या है, ग्रेटर इक्वल जीरो है, यही हमें प्रूव करना था पहले कंडीशन में, जो कि क्या है, नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, नल कंडीशन। सेकंड कंडीशन नल कंडीशन, नल कंडीशन में हम क्या लेंगे, लेट लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या ले लिया, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो ले लिया। अब देखते हैं अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया वैल्यू डी एक्स वाई की, ठीक है। डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है तो डी एक्स वाई किसके बराबर है, इस समेशन के बराबर है, और ये समेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब हम करते क्या है, अब हम समेशन को रिमूव करते हैं। समेशन को जब हम रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज इक्वल टू, या फिर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया, ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो टर्म है, ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है, पहला ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है। अब ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकता, ये टर्म जीरो नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है ये टर्म जीरो होगा तभी जीरो हो रहा है। तो हम क्या लिख देते हैं, वैसे भी इसको हम अगर उधर ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये हो गया। अब देखिए अब वो कह रहा है डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को जीरो होना था तो इसकी वैल्यू माइनस वन के बराबर आना चाहिए थे, लेकिन मॉड की प्रॉपर्टी वो देखिए, ये माइनस वन के बराबर कभी आएगा ही नहीं, तो ये माइनस वन के बराबर कभी नहीं आएगा, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वाला टर्म, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वन, और वन क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं आ सकता है। तो जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ सकता तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये हमारे पास बचेगा। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि अगर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, एक्स एन माइनस वाई एन का रियल पार्ट भी जीरो और एक्स एन माइनस वाई एन का इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। तो ओवरऑल हमें पता क्या चल रहा है कि जो एक्स एन है वो वाई एन के बराबर हो जा रहा है, तभी तो डिफरेंस ऑफ रियल पार्ट भी जीरो हो जा रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो जा रहा है, तो एक्स एन बराबर वाई एन। यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्स एन और वाई एन जब बराबर होगा तभी इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का मॉड जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, और अदरवाइज जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास फाइनल टर्म आया। अब देखिए यहाँ से क्या पता चला, यहाँ मैं लिख दूँ फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ से पता ये चल रहा है, देखिए यहाँ पे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन है, और एन क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन, एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू, एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री, ओवरऑल एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन हर एक एन के लिए। तो यहाँ से पता ये चल रहा है कि ये जो एक्स है ये वाई के बराबर होगा, क्योंकि एक्स क्या होगा, एक्स जो होगा, एक्स अगर हम लें तो ये क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन एंड सो ऑन, अगर इसको मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ। अब देखिए ये जो एक्स आई है ये वाई आई के बराबर है, अब ये वाई आई के बराबर हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, वाई वन वाई टू एंड सो ऑन वाई एन, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा ये होगा कि ये वाई वन है, वाई वन वाई टू यहाँ पे वाई थ्री एंड सो ऑन वाई एन एंड सो ऑन। देखिए एक्स वन वाई वन के बराबर है, एक्स टू वाई टू के बराबर है, तो हम एक्स वन को वाई वन से रिप्लेस कर दिए, एक्स टू को वाई टू से, एक्स थ्री को वाई थ्री से, और एक्स एन को वाई एन से, और ये बेसिकली क्या आ गया, वाई आ गया। तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए हमें पता क्या चल रहा था, डी एक्स वाई मैंने जीरो लेके चला था और दिखा क्या दिया कि एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हमारा एक कंडीशन तो प्रूव हो गया। अब इसका उल्टा देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तो एक्स एन वाई एन दोनों बराबर होगा हर एक एन के लिए, और अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा,
ये होगा तो ये भी होगा, और ये होगा तो ये भी होगा। तो ओवरऑल मेरा डी एक्स वाई अगर जीरो है तो x बराबर वाई होगा, और x बराबर वाई है तो डी एक्स वाई जीरो होगा। तो सेकंड कंडीशन हमारा नल कंडीशन, वो भी सेटिस्फाइड है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्रिक कंडीशन तो बहुत ही आसान है, सिमेट्रिक कंडीशन में तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन हम क्या लिखते हैं, सीधे सीधे डी एक्स वाई की वैल्यू में लिखता हूं। डी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस एक्स एन माइनस वाई एन। ये वैल्यू हो गई डी एक्स वाई की। अब देखिए यहां से क्या, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन हमेशा मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन के बराबर होता है। तो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन को हम मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन। और अगर मैं इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को कंपेयर करूं तो यहाँ पे देखिए एक्स एन पहले आ रहा था तो डी एक्स एक्स पहले आ रहा था, वाई एन बाद में तो वाई बाद में, ठीक है। और यहाँ क्या वाई एन पहले आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा डी वाई वाई पहले आएगा, और एक्स एन बाद में है तो एक्स बाद में आएगा। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स मैंने प्रूव कर दिया, तो ये सिमेट्रिक कंडीशन भी ट्रू है। अब चौथी प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। देखिए ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी थोड़ी समझने वाली है। इसमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में स्पेशल केस ऑफ मिनकोवस्की इनइक्वालिटी बताया हुआ था उसका यूज पड़ेगा। अब देखिए कैसे, चौथी प्रॉपर्टी है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू सीक्वेंस एक्स एन, वाई इज इक्वल टू सीक्वेंस वाई एन, एंड जेड इज इक्वल टू सीक्वेंस जेड एन बिलोंग्स टू ए। मैंने तीन सीक्वेंस ले लिया एक्स एन वाई एन और जेड एन, किसमें ए में। अब देखिएगा, अब यहां पे मैं लिख देता हूँ डी एक्स वाई की जो डेफिनेशन है सीधे सीधे वहीं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। ये मैंने यहाँ से डेफिनेशन उठा के यहाँ पे लिख दिया और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब देखिए अब इसमें क्या मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं कर सकता हूँ समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एज इट इज है वन अपॉन टू रेस पावर एन भी एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा, यहाँ चेंजिंग होगा एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में जेड एन ऐड किया, जेड एन सब्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल कैंसिल होके एक्स एन माइनस वाई एन ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी जेड एन ऐड किया, जेड एन सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल होके ओवरऑल एक्स एन माइनस वाई एन ही आ जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक इनइक्वालिटी बताया था, इनइक्वालिटी कौन सा बताया था, इनइक्वालिटी ये बताया था मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन वन प्लस अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ बीटा। मैंने आपको ये इनइक्वालिटी बताया हुआ है तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का यूज पड़ेगा। आप देखिए कैसे, मैं इसे अल्फा ले लेता हूँ, इसे बीटा ले लेता हूँ, ये अल्फा और ये बीटा। तो देखिए अगर हम इन इसको इस सीरीज से कंपेयर करें, इस इनइक्वालिटी से कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू लिख देता हूँ। यहाँ समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन अपॉन वन प्लस एक्स एन माइनस जेड एन प्लस मॉड ऑफ जेड एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ जेड एन माइनस वाई एन। ये मैंने इस इनइक्वालिटी से लिखा है। मैंने अल्फा को किससे रिप्लेस कर दिया है,
एक्स एन माइनस जेड एन से और बीटा को जेड एन माइनस वाई एन से रिप्लेस किया हुआ है। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये जो टर्म है वो इस टर्म से छोटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू देखिए एक्स एन माइनस जेड एन थी, बीटा की वैल्यू जेड एन माइनस वाई एन है, यहाँ पे आके जाएगा मॉड ऑफ अल्फा अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, एक्स एन माइनस जेड एन प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन, ये पहला टर्म, प्लस मॉड ऑफ बीटा अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ बीटा, बीटा क्या है जेड एन माइनस वाई एन, तो क्या है मॉड ऑफ बीटा अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ बीटा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जब हम समेशन वन अपॉन टू रेस पावर एन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला टर्म, ठीक है। मैं इस सीरीज को थोड़ा मिटा रहा हूं, दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन, ये हमारा पहला टर्म हो गया, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस पावर एन मॉड ऑफ जेड एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ जेड एन माइनस वाई एन, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। मैंने बस कुछ नहीं किया, इस समेशन वन अपॉन टू रेस पावर एन को दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए इस टर्म को अगर हम इस टर्म से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये डी एक्स वाई है इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस ये टर्म कौन सा हो जाएगा डी जेड वाई हो जाएगा, और यही क्या होता है, यही होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये है हमारी चार प्रॉपर्टीज मैट्रिक स्पेस की जो कि सेटिस्फाई है। तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि ये जो डी है ये क्या हो जाएगा, एक फ्रेचेट मैट्रिक होगा, फ्रेचेट मैट्रिक, और ए डी को अगर हम साथ में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेचेट मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्रेचेट मैट्रिक स्पेस। और सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ये कि डी एक्स वाई जो है वो वेल डिफाइंड है, और फिर मैट्रिक की चार प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एल इन्फिनिटी स्पेस के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, हैव अ नाइस डे।